आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ निज़ामुद्दीन। मैंने बॉम्बे से सफ़र शुरू किया था, 12909 करके नंबर था गाड़ी का, और गाड़ी बोरीवली से शाम को 6 बजे चली थी, और मैं अभी पहुँचा हूँ, 10:15 का टाइम है। लगभग 16 घंटे का सफ़र तय कर चुका हूँ मैं, और इसके बाद मैं आगे का सफ़र जो आपको है वो बताऊँगा। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपको वीडियो में दिखा दूँगा। चलिए आगे का सफ़र शुरू कर दें। आसान शब्दों में कहूँ तो सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। सीट में सिर्फ बैठने का एडजस्टमेंट था, इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड स्पेस थी कि पैर भी ज़्यादा फैला नहीं सकते थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, और ये कार चेयर सिस्टम है जिस वजह से यहाँ पर रेंट पर चादर और तकिए भी मिल रहे थे, जिस वजह से मैं 16 घंटे तक के शोले का ठाकुर बन के बैठा रहा, और ये मेरा सफ़र लगभग बैठे बैठे ही गुजर गया। भारतीय रेलवे से अगर सफ़र कर रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चलते फिरते ही देखने मिल जाता है। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। हज़रत निज़ामुद्दीन उतरने के बाद आपको वेस्ट की तरफ जाना है, और आपको फिर ये सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, टैक्सी, ऑटो, और आगे की तरफ जाएंगे तो बस स्टॉप भी मिल जाएगा। ट्रैवल के बाद सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ से निकलना है, ये तो बहुत सवाल पूछते रहेंगे। नहीं, इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले जाके फ्रेश होना है मुझे, नहाऊ धो, उसके बाद जाऊँगा दरगाह की तरफ। अब पहले रूम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यार, नींद उतनी अच्छी मिली नहीं है, तो वो थोड़ी थकान हो गई है। बोलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि बोलो नहीं बोलो, ऐसा हाल हो गया। अगर आप दिल्ली के बाहर से सफ़र कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्टे करने के लिए कोई ना कोई प्लेस की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उस बात का जिक्र ऑटो वालों से मत करना, और अगर ऑटो वाला आपको कहीं लेकर जाए तो उस जगह पर मत जाना, क्योंकि इन लोगों का पहले से उन होटल वालों से टाई अप रहता है, जिस वजह से आपको भाड़ा डबल पे करना पड़ता है और आप फंस जाते हैं। वेस्ट में आने के बाद आपको 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। आप चाहे तो बस से भी आ सकते हैं, जिसके बाद आप इस बस स्टॉप पर पहुंच जाएंगे, और दरगाह यहीं से आगे पड़ती है। सबसे कुछ कदम आगे बढ़ते ही आपको ये प्लेस नज़र आएगी, यहीं से आपको स्ट्रेट जाना है, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दरगाह का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। यहाँ का सबसे कॉमन सिस्टम यह है कि अगर आप चलने लगोगे ना, तो हर कोई आपको चप्पल उतारने के लिए बोलेगा अपनी दुकान पर ये चीज़ मत करना, नहीं तो फिर आपको इतनी दूर तक के नंगे पैर जाना पड़ेगा। इस तरह से आपको टाइम से पहले लोग चप्पल उतरवाएंगे, दरगाह काफ़ी दूर है तो इतनी जल्दी मत रुकना। यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, खाने पीने की होटलें ये सब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली कुछ ढूंढ रहे हैं ना खाने की होटलें, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पर आप होटलों में ना ही खाना खाए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ का प्राइसिंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये मेन रोड पड़ रहा है दरगाह की तरफ जाने के लिए, तो मैक्सिमम लोग यहीं से ट्रैवल करते हैं, तो जिस वजह से यहाँ की चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। यहाँ से भी मैं अभी जाऊँगा स्ट्रेट, और स्ट्रेट जाते जाते मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा। यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, यहाँ का प्राइसिंग ठीक ठाक लगा मुझे, और यहाँ पर गर्म भी रहती है चीज़ें। यहाँ से मैं जाऊँगा स्ट्रेट, और यहाँ से स्ट्रेट जाते जाते मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से भी स्ट्रेट जाएंगे अगर पूरा सीधा तो डायरेक्ट आप दरगाह के पास पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा टर्न आएगा, जो ये ब्राउन टाइप जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से मैं भी सीधा चलते रहूँगा। यहाँ पर जो पहला राइट टर्न आएगा, आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है, यहाँ के होटल काफ़ी सस्ते रहते हैं। और अब मैं वापस जा रहा हूँ सीधा, जो कि दरगाह की तरफ जाने का रास्ता है। ₹5 में जमा हो रहा है, जमा करो।
और इस तरह से नए आदमी को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो रखे कहाँ चप्पल, जबकि एग्जिट की तरफ रखना है जो ब्लू कपड़े में बैठे हैं वहीं पर। और यही है दरगाह का एंट्रेंस और एग्जिट। यहीं पर आप अपने चप्पल जूते रख सकते हैं और चप्पल जूते संभालने वाले सिर्फ 5 रुपये पर पेयर का लेते हैं। अभी आ जाओगे? देख आ रहे हो, दे रहा हूँ तुझे। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको काफ़ी सारी मज़ारे देखने के लिए मिलेगी। कहा जाता है कि 70 मज़ारे हैं यहाँ पर। अमीर खुसरो की मज़ार यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा के मुरीद हुआ करते थे। अरे भाई लोकल वाले भी देते हैं लंगर में, अब चादर चढ़ा देते हैं लंगर में, भैया बंद करो। और ये है बाबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो 1238 से लेकर 1325 तक दुनिया में मौजूद थे, जिसके बाद सन 1325 में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दुनिया को छोड़ जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इस दरगाह को पहली बार बनवाया था। और जो आप ब्राउन कलर में ये देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने इस मस्जिद को बनवाया था। दरगाह का अभी का जो स्ट्रक्चर है वो 1562 में फारिदुन खान द्वारा बनवाया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। शाम के वक्त तो इसकी रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनको इतने ज़्यादा लोग मानते हैं कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्टेशन का नाम भी इनके नाम से पड़ा है। यहाँ पर आने वाला बस स्टॉप भी इनके नाम से है, और मतलब जैसे माहिम स्टेशन का नाम भी मखदूम शाह बाबा के नाम पर पड़ा था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी इस स्टेशन का नाम भी इन्हीं के नाम से दिया हुआ है। और यहाँ पे कवाली वाली जो है शाम के टाइम पे होती है अक्सर, कुछ 6:30-7 बजे के आसपास अगर आप आएंगे, मैं नॉर्मली उसी टाइम पर गया था, मतलब मैं दिन में भी गया था और शाम में भी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे औरतें यहाँ से ज़ियारत कर सकती है दरगाह की, ये जो झरोखा दिख रहा है यहाँ से दरगाह में देख सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं बाबा से। और ये दरगाह का बैक साइड है, और यहीं पर आपको वज़ू खाना भी देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर आप मुँह हाथ धोना चाहते हैं या वज़ू करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के आप आराम से वज़ू कर सकते हैं, मुँह हाथ धो सकते हैं, उसके बाद आप दरगाह में एंटर कर सकते हैं। Thank you.
का वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।